त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था जांचने के लिए दिल्ली पुलिस कई अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में नॉर्थ दिल्ली पुलिस द्वारा सदर बाजार इलाके में मार्क ड्रिल की गई, जिसमें पुलिस ने नकली आतंकवाद विरोधी मार्क ड्रिल का अभ्यास किया। सूचना मिलते ही तुरंत कैट की गाड़ी, फायर, डीडीएमए, स्वाट, एटीएस आदि एजेंसियों को संदेश भेजा गया कि सदर बाजार के 12 टूटी चौक पर एक बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें फायरिंग हुई है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। सभी एजेंसियों ने सतर्कता दिखाते हुए एक आतंकवादी को काबू कर लिया और घायलों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल की जा रही है और जनता को संदेश भी दिया जा रहा है कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में संदिग्ध आदमी की पहचान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, दिल्ली। आज हमने यहाँ पे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में सदर थाना में वन ऑफ द बिजिएस्ट मार्केट ऑफ नॉर्थ दिल्ली में एक मॉक ड्रिल अटेम्प्ट करी थी। फोकस वॉज एंटी टेरर प्रिपेयरनेस, कीपिंग द इंटायर फेस्टिवल सीजन इन माइंड। सिचुएशन ऐसी थी क्योंकि अभी मार्केट टाइम बहुत भीड़ रहती है, तो एग्जैक्ट टेरर सिचुएशन वॉज कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और कुछ टेररिस्ट आए हैं, फायरिंग भी है और कुछ हॉस्टेजेस भी लिए हैं, 6-7 लोग इंजर्ड हैं। इमिडिएटली सारी एजेंसीज को, फायर, ट्रैफिक, आपके BDS, BDT, SWAT टीम, स्पेशल सेल, हमारी लोकल रिजर्व्स जितनी भी हैं नियर बाई पुलिस स्टेशन से, सारी अपनी अपनी पुलिस स्टेशन से स्टाफ लेके पहुँचे। सबका रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा रहा, विद इन 10-12 मिनट्स सभी एजेंसीज ने रिस्पांस दिया, इंक्लूडिंग फायर, कैट्स। इसमें 6 लोग इंजर्ड थे जिनको हॉस्पिटल में पहुँचा दिया गया ऑन टाइम। पर्पस ऑफ दिस ड्रिल इज कि सभी स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स एज वेल एज मार्केट एसोसिएशन इज बेटर प्रिपेयर्ड फॉर एनी टेरर अटैक।